यह बात उस वक्त की है जब जोधपुर गांव में कड़कड़ाती हुई गर्मी में गांव वाले सर्दी का इंतजार कर रहे थे। ओ सरपंच साहब, इधर ठंड कतराक दिन में पेड़ी क्या? अरे गांव बना रहा गांव। मामलो जोर कर काका, जांच करने जाना पड़ेगा। फिर सरपंच साहब मौसम विभाग में पहुंचे। अरे सर, इस बार सर्दी का क्या माहौल रहेगा? अरे सरपंच साहब पूछो मती, इस बार बहुत तेज ठंड पड़ने वाली है। तो सरपंच साहब कई मामले हैं अड़ा को? देखो भैया, मामलो तो भारी है, इस बार ठंड बहुत तेज पड़ेगी। ला ला मेरा ला रमेशिया। हाँ रे भाई, कई फिल्म है? अरे काका, फिल्म तो ऐसी है कि यहाँ तो कायदा को पेड़ी कन्या जमन ची अपना। तो ठंड की सारी व्यवस्था कर लेवे, लकड़ी फाजरी जरी के अन कान पट्टिया हारे लियो। अरे कई सरपंच साहब, 10 दिन बीत गया, ठंड का अता पता ही कौन। मैं आज शहर जा रहा हूँ, फिर बताता हूँ। कई सरपंच साहब, दर्शन दुर्लभ हो रहे हो। अरे कई दुर्लभ यार, तुमने कहा था ठंड पड़ेगी पर पड़ी नहीं। अरे सरपंच साहब मानो मत मानो, ये दान मनका की डाडिया दूध जानी। कई मालिक, 20 दिन वे गया, गाँव को बीज बही दो, हियाड़ा का ठा ठिकाना ही कौन। अरे खेमा बा, इतने दिन रुके, एक दिन और सही। तुम हर बार झूठी खबर दे रहे हो। अरे सरपंच साहब, इधर सर्दी का हड़ा टूट जाए। पर तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो? अरे सरपंच साहब, पिछले एक महीने से पड़ोस के गांव वालों को लकड़ियां इकट्ठा करते और हियाड़ा का मोगर खाते हुए देख रहे हैं। अच्छा, ऐसा कौन सा गांव है? जोधपुर गांव। अरे हतमशिया, ओ गांव मारो ही जरा।